तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली यहाँ से, तो इस प्रॉब्लम में एक नेटवर्क है और ए और बी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस क्रॉस ए बी अगर देखोगे तो अच्छे से देखोगे तो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ जो साइडों वाली रेशियो है, इनकी तो रेशियो मेरे भाई सेम है ना। ठीक है, आर बाई थ्री विल बी इक्वल टू टू आर अपॉन सिक्स आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर होगा 1/3, मतलब ये ब्रिज का अरेंजमेंट है और ये ब्रिज बैलेंस है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस नेटवर्क को पुल करते हैं। तो अगर यहाँ से मैं डीप मार्कर में यहाँ से लिखता हूँ, तो यहाँ से इसको पकड़ के खींचो, इसको पुल करोगे और इसको यहाँ से पुल करोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा और ये ऐसा कुछ नेटवर्क दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इस पॉइंट के एक्रॉस ये वाली जो है ये यहाँ 3R ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा बेसिकली R और ये 3R यहाँ आ जाएगा और ये खींच दिया मैं तो ये 9R यहाँ रह जाएगा। ठीक है, और अभी भी पॉइंट A से, ये वाला जो पॉइंट ए से है, इससे तो ये वाला अगर इसको इधर खींचा मैं तो ये 2R तो इधर आएगा ही और इससे 9R कनेक्ट है और इधर 6R वाला रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, 6R का यहाँ है तो ये मैंने इसको ऐसे इधर खींचा और यहाँ से देखोगे तो ये इधर से ये कनेक्ट है, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो ये क्या है, यहाँ से जब पुल करके इसको ऐसे पुल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है और इसकी रेशियो और इसकी रेशियो, इन दोनों की रेशियो क्या है, सेम है। मतलब R अपन 3R बराबर है 2R अपन 6R के, मतलब ये आ जाएगा 1/3 बराबर है 1/3 के, तो ये 9 वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट, जो R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बचेगा वो बचेगा 3R और ये 4R का सीरीज में हो गया, तो 4R और मल्टीप्लाइड बाई 2R और 6R 8R के साथ, तो ये सारे आपस में पैरेलल हो गए, तो 4R प्लस 8R, तो फाइनली यहाँ से हम देखोगे तो 4R मल्टीप्लाइड बाई 8R और डिवाइडेड बाई यहाँ ये 12R, तो इस R ने R को ख़त्म कर दिया और ये 3 से मल्टीप्लाई किया, तो AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 8R अपन 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो 8R अपन 3, तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो सही है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।